नमस्कार। देश के 65 लाख पेंशन धारकों को ईपीएफओ द्वारा बड़ी राहत दी गई है क्योंकि ईपीएफओ ने EPS 95 पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की जो 30 नवंबर अंतिम तारीख है तो उसे जो है वो फरवरी तक बढ़ा दिया है। इससे EPS 95 पेंशन धारक जिन्होंने 30 नवंबर तक उनका लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा किया है तो ऐसे पेंशन धारकों की पेंशन जो है वो फरवरी तक नहीं रोकी जाएगी। और इसके लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि है तो वो 28 फरवरी की कर दी गई है। तो जी हाँ, EPS 95 पेंशन धारकों के लिए ईपीएफओ द्वारा ये जो बड़ी राहत दी गई है तो उसी अपडेट के बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो अपडेट है तो इसकी जानकारी आप सभी को मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, EPS 95 पेंशन धारक जो भी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करते हैं और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 का जो नियोजन है तो वो ईपीएफओ द्वारा किया जाता है। तो ऐसे में ईपीएफओ द्वारा EPS 95 पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि है तो उसे जो है वो 30 नवंबर से बढ़ा तक 28 फरवरी कर दी गई है। इससे 65 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा क्योंकि ऐसे में 30 नवंबर तक जिन पेंशन धारकों ने अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है तो उनकी पेंशन को अभी रोका नहीं जाएगा और यह जो अंतिम तिथि जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की है तो उसे बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र देय की समय सीमा को 28 फरवरी 2021 तक बढ़ा दिया है। इस कदम से ऐसे करीब 35 लाख लोगों को फायदा होगा जो कोरोना वायरस महामारी की वजह से नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाए हैं। खबर के मुताबिक श्रम मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि जो पेंशन भोगी 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाए उन्हें फरवरी तक हर महीने पेंशन मिलेगी। 28 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी है जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि। बयान में कहा गया है कि COVID-19 महामारी और इससे बुजुर्गों को खतरे को देखते हुए ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा को बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 कर दिया है। अभी कोई भी पेंशन भोगी साल के दौरान 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। एक साल के लिए होता है वाले तुझिया जीवन प्रमाण पत्र सभी पेंशन धारक जो भी पेंशन प्राप्त करते हैं तो जमा करने की तिथि से जो है एक साल तक वैलिड रहता है। ईपीएफओ द्वारा नवंबर के ही महीने में पेंशन प्राप्त करने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की जो अनिवार्यता थी तो उसे भी जो है वो खत्म कर दिया है। और जब भी आप जीवन प्रमाण पत्र जमा करेंगे यानी मान लीजिए आपने अगर आपका जीवन प्रमाण पत्र अगले साल जो है वो फरवरी में जमा किया तो अगले साल का जो फरवरी है तो वहां से जो है वो अगले एक साल तक के लिए वह वैलिड होगा। यानी आपको जो है वो केवल नवंबर महीने में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत नहीं है बल्कि आप जिस भी महीने में जीवन प्रमाण पत्र जमा करेंगे तो उस महीने की अगले साल में जो तारीख होगी तो उसके हिसाब से जो है वो आपको एक साल तक ये जो जीवन प्रमाण पत्र है वो वैलिड रहेगा और उसी तारीख को आपको फिर से जो है वो जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यह सर्टिफिकेट जारी करने की तारीख से एक साल के लिए वैलिड होता है। अब ऐसे सभी पेंशन भोगी 28 फरवरी 2021 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि नवंबर 2020 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाए तो 35 लाख पेंशन भोगी की पेंशन विस्तारित अवधि के दौरान रोकी नहीं जाएगी। तो जी यहाँ पर ये जो समय सीमा बढ़ा दी गई है इससे लगभग 35 लाख पेंशन धारकों ने जो जीवन प्रमाण पत्र अभी तक जमा नहीं किया है तो ऐसे सभी पेंशन धारकों की पेंशन को रोका नहीं जाएगा और इनको जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए अतिरिक्त समय भी मिल जाएगा। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के कई विकल्प है। पेंशन पाने के लिए राहत भरी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 67 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के कई ऑप्शन उपलब्ध कराए हैं। ईपीएफओ के 135 रीजनल ऑफिस और 117 जिला कार्यालय के अलावा EPS 95 पेंशन भोगी उनकी पेंशन देने वाले बैंक और नजदीकी डाकघर में जीवन प्रमाण पत्र को जमा कर सकते हैं। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को देश भर में 3.65 लाख से ज्यादा CSC और उमंग ऐप पर भी डिजिटल प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं।
साथ ही डाक विभाग द्वारा घर पर आकर भी आपका जीवन प्रमाण पत्र जो है वो स्वीकार किया जा सकता है। इसके लिए विस्तार से हमने पहले ही आपको जानकारी दे दी है, उसका इस्तेमाल करके आप आपके घर पर डाक विभाग द्वारा जो सेवा चलाई जा रही है तो उसका इस्तेमाल करके अपने घर से ही जीवन प्रमाण पत्र जो है वो जमा कर सकते हैं। तो जो ईपीएफओ द्वारा अपने 65 लाख EPS 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो बड़ी राहत दी गई है, तो उसी राहत के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे के रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं।